मातरम। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आदरणीय हमारे पारस राम जी, जिनकी आज प्रथम पुण्यतिथि एवं आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर का आयोजन इंदिरा नगर ग्राम पंचायत सांपा में आयोजित हो रहा है। बढ़ चढ़कर यहाँ युवा देखें आप भाग ले रहे हैं, लगातार रक्तदान जो है वो यहाँ चालू है। गर्म जोशी के साथ इस रक्तदान को संपन्न कर रहे हैं। अच्छी संख्या में रक्तदान यहाँ पर संपन्न हुआ है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बार खून दिया है। इन्होंने कितने भी ब्लड कैंप कराए हैं। कोरोना की इस महामारी में इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। ऐसे महान रक्तवीरों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज भारत जी के इस महोत्सव में? देखिए आप किसी प्रकार की चेहरे पर कोई रक्तदान के लिए तैयार है और रक्तदान सभी जिन्होंने रक्तदान कर लिया है, जो रक्तदान अभी जिन्होंने नहीं किया है वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे वो भी आते जा रहे हैं। रक्तदान जो शिविर है वो लगातार यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश में आज जश्न का माहौल है। लगातार धर्म पुण्य और परोपकारी वाले कार्य, देशभक्ति गीत आज तमाम अपनी अपनी शैली पे, जैसा देश उसी शैली में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कहीं सम्मानित अच्छे कार्यकर्ताओं का, कोरोना योद्धाओं का सम्मान हो रहा है। बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम आज आयोजित हो रहे हैं। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर लगातार ये जो पद्धति है और ये परंपरा है लगातार जीवित है। सरकारी स्तर पर भी इन परंपराओं को निभाया जाता है और समुदाय के स्तर पर भी इसको जो है मनाया जाता है। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो अपने प्रतिष्ठान अपने कार्यालयों पर झंडा रोहण करते हैं। रंगारंग कार्यक्रम, विचार गोष्ठी आज होती है, सामाजिक गोष्ठी आज होती है, हर प्रकार की आज जो है ये पर्व जो है हमारा वैचारिक का दिन है। विचार करते हैं, मंथन करते हैं, हमारे देश के उन कर्मवीरों को, धर्मवीरों को, महापुरुषों को, योद्धाओं को आज याद किया जाता है। और बहुत ही सुंदर आज पर्व है। इस पर्व के ऊपर आप देखें कि आज झंडा शाम तक लगा रहेगा। हमारे सामने भी एक झंडा रोहण है और शाम तक ये झंडा जो है यहीं रहेगा। शाम को फिर इसको सूर्यास्त के पहले उसको उतार लिया जाएगा। ये इस तरह की जो परंपराएं हैं हमारे सदियों से चली आ रही है। लगभग देश आज़ाद जब से हुआ है 75वां हम लोग आज ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चंद बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि आइए हम मानवता की ओर चलें, मित्रता की ओर चलें। देश और दुनिया में संघर्ष बने हुए हैं। कोई तेल के लिए लड़ रहा है, कोई पानी के लिए लड़ रहा है, कोई जीवन बचाने के लिए लड़ रहा है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं लड़ रहा है। हम देखें कि अभी अभी ताज़ा युद्ध हो रहा है अफगानिस्तान में, तालिबान के बीच में युद्ध हो रहे हैं। जीवन हमेशा संघर्षमय बना रहता है, कठिनाई में बना रहता है, लेकिन हम कैसे इस जीवन को बेहतर बनाए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे भारत देश में जन्मे हैं, जिस भारत देश में हमें पूरी आज़ादी है। हमें खाने की, पीने की, रहने की, हर प्रकार की आज़ादी है।